मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी भाई चल चुका है 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। कभी भी इसका EGR इंटरकूलर ये सब का काम नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा पास गाड़ी आया था सर्विस के लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, हल्का एक्सेलेटर दिया, तो पीछे दिखाओ इधर, देखो भाई पूरा काला ही काला। मैं कभी भी इसका EGR इंटरकूलर ये सब मतलब मैं क्लीन ही नहीं किया है। देखो क्या उड़ रहा है, देखो देख रहे हो कितना काला है भाई, ठीक है। ये देखो पूरा काला काला है। क्या करना पड़ेगा अभी इसका EGR, ठीक है, इंटरकूलर और जितना भी पाइप है वो सब मुझे अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत धुआं दे रहा था गाड़ी, आप तो देखे हो पीछे से साइलेंस कितना धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो फाइनली देखो इसका EGR मैंने खोल लिया है, बहुत ज़्यादा चौक है, ठीक है। देखो इतना ना कचरा है भाई, देखो मुझे अच्छा से साफ करना पड़ेगा बिल्कुल भी। देखो 2 लाख चल चुका है गाड़ी का, अभी तक EGR क्लीन ही नहीं किया है, ठीक है। तो अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। इंटरकूलर का हालत देखो, इंटरकूलर का हालत देखो भाई। चलो इधर देखो, ये सब पाइपलाइन है, बहुत कचरा है, मैंने साफ करवाया। देखो ये देखो कितना मोबिल भाड़ा पड़ा है, ठीक है। कभी भी सर्विस नहीं किया है ये सब, तो ये सब मुझे अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। देखो मोबिल ही मोबिल है, इतना निकल रहा है, अभी ऐसे छोड़ देंगे, मोबिल जितना है वो गिरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा से क्लीन करेंगे। सो भाई फाइनली देख सकते हो EGR का मैंने बिखर लिया, ठीक है। इतना कचरा है भाई इसके अंदर, देखो क्या निकल रहा है भाई, गाड़ी धुआं नहीं देगा, इतना कचरा है, ठीक है। इधर देखो भाई इतना ज़्यादा कचरा भाई, पूरा काला काला एकदम काला काला। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा से भाई वॉश करना पड़ेगा इसको एकदम, ठीक है। ये मैंने किरासिन तेल देख सकते हो मांगा, सब धोएंगे भाई अच्छा से, ठीक है। क्या निकल रहा है देखो, पूरा काला काला हो गया, ठीक है। देखो क्या हाल है भाई, EGR क्यों नहीं क्लीन किए हो? जो होता है कमर्शियल गाड़ी में हम लोग का बहुत प्रेशर पड़ जाता है, टाइम ही मिलता नहीं है ना, तो प्राइवेट जैसा है नहीं, पहली बार खुला इसके लिए बहुत बताइए आपको। तो मतलब मैं सर्विस तो करते थे वहाँ पे, नहीं करते थे EGR? नहीं नहीं, ठीक है। अभी इसमें सीसाइन डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो सीसाइन खोल लिया मैंने, इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर इतना दे के हल्का इसमें हिला देंगे, अंदर जितना भी वो मोबिल वोबिल है वो सब बाहर निकल आएगा, ठीक है। और ऊपर जो धूल मिट्टी दिख रहा है उसमें भी मार देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये भी हो रहा है। अच्छा ऑटोमेटिक उड़ जाता है, मानने पे ये फायदा होता है। अब इस पर प्रेशर मारेंगे अच्छा से, जितना भी मोबिल है देखो पूरा निकल गया, ठीक है।
बस फाइनली अच्छा तरीके से क्लीन कर लिया, देख सकते हो कितना कचरा था, ठीक है सब अच्छा तरीके से क्लीन कर लिया, ठीक है ये देख सकते हो सब अच्छा तरीके से क्लीन कर लिया। अब इसको करेंगे फिट। तो गाइस मैं टोटली फाइनल करता हूँ, गाड़ी एकदम ओके हो गया, पीछे से कोई धुआं नहीं, ठीक है पहले धुआं दे रहा था लेकिन अब कोई धुआं वुआ नहीं दे रहा। आप सोचते होंगे कि पेट्रोल गाड़ी में टोटल बॉडी क्लीन करके काम चल जाता है, तो डीजल गाड़ी में भी भाई ऐसा ही होता है, डीजल गाड़ी का भी टोटल बॉडी होता है, ठीक है ऐसा नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी में 3M ला। तो अगर आप 40 से 50 हज़ार चल गया गाड़ी, ठीक है तो एक बार कम से कम EGR इंटरकूलर ये सब क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।